दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में जिसका नाम है इनक्रेडिबल एंड पैशनेट। आप सबके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों का फिर से रिक्वेस्ट आया है कि इंग्लिश के जो छोटे छोटे वोकैब के सेशन है वो आपको बीच बीच में बढ़ाता रहूँ, और आज आपके लिए मैं कुछ एडवांस्ड वर्जन्स लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, एक पेन और छोटा सा पेपर लेकर बैठ जाएं। मैं आसानी से और बहुत धीरे धीरे चीज़ों को सुलझाता हुआ कुछ चीज़ों को जोड़ता हुआ आपको लेकर जाऊंगा। मैं और आप 10 मिनट की एक यात्रा में निकलेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। चलिए समय को बिना वेस्ट करते हुए हम चालू करते हैं। दोस्तों एक निवेदन आपसे है कि अगर आपको मेरे अपडेट चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो किसी और तक जरूर पहुंचाएं। हम जो जीवन में करते हैं हमें वापस मिलता है। किसी और के लिए भला करना एक बहुत अच्छी बात है, आशा करता हूं आप जरूर करेंगे। आज हम जिस सेगमेंट की बात करने वाले दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ पृष्ठभूमि आपको बता दूं उसकी, कि हम अक्सर जब इंग्लिश बोलते हैं, जिन लोगों को इंग्लिश में बड़ा इंटरेस्ट है या जो उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए कुछ खास करके आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दूं। देखिए, भाषा को लिखकर बहुत ज़्यादा सीखा नहीं जा सकता। अगर आप बोलना चाहते हैं, अगर आप अपने स्पोकन लैंग्वेज में फ्लुएंसी डेवलप करना चाहते हैं, तो आदत डालिए इसे सुनने की। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, आप कमेंट्री सुन सकते हैं। अगर आपको चैनल देखना है तो कुछ ऐसे चैनल्स देखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लोगों का ऐसा कहना है कि आपको जो न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, किसने कह दिया आपको न्यूज़ देखना। मैं आपसे कहता हूं कि आप बॉलीवुड की न्यूज़ देखें। अगर आपको बॉलीवुड में रस आता है, आपको चुगली में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप बॉलीवुड की न्यूज़ देख सकते हैं। गॉसिप में आपको बड़ी रुचि आती है तो आप वो देख सकते हैं। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो आप ऐसी चीज़ें जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट्री सुने। चैनल्स हैं बहुत सारे, स्टार्स न्यूज़ ये सब आते रहते हैं, उसमें ये चैनल्स आते हैं। तो जिसको जिसमें फोकस है वो उस काम को करे, और आप उसे सुनने की ज़्यादा चेष्टा करें। देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप सुन के बोल के ही सीखेंगे। जो अभी भी रिलाय कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे लिख के सीखेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। आज के सेगमेंट में मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल वर्ड्स बताने वाला हूँ जिन वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत एडवांस्ड वर्ड्स हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनका इस्तेमाल करें। चलिए मैं आप सबको सबसे पहले वर्ड में लेकर चलता हूं। मुझे एक बात बताइए, सपोज करिए कुछ ऐसी चीज है जो बहुत आवाज करती है, तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब ये तो आप मुझको बता ही सकते हैं, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कि जब कोई चीज़ में बड़ी आवाज़ आ रही है, मुझको हम किसी लोकेशन में गए वहाँ से बड़ी आवाज़ें आ रही है। चलिए आप कल्पना करिए, कल्पना के थोड़े जगत में हम थोड़े बुलबुले फेंकते हैं। चलिए बड़ी आवाज़ आ रही है, चलो आप क्या बोलोगे? इट इज़ नॉइजी। आप क्या बोलते हो? इट इज़ नॉइजी। किसी ऐसी जगह में गए जहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है, आप डांस कर रहे हैं, क्लब्स में आप कहीं चले गए, तो आप क्या बोलते हैं? द प्लेस वॉज वेरी नॉइजी। आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में टीचर कुछ पढ़ा रही हैं, बच्चे पीछे से बहुत हल्ला कर रहे थे, आप क्लास से बाहर निकले, आप क्या बोलते हैं? द क्लास वॉज टू नॉइजी, क्लास बहुत नॉइजी था। आपसे कोई पूछता है आपको समझ में क्यों नहीं आया, तो आप क्या बोलते हैं? द क्लास वॉज वेरी नॉइजी। तो ये जो आपने बोला नॉइजी, अब मैं देखिए बड़े ईजी ढंग से हम लोग इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं। चलिए इस नॉइजी के पहले आप लगा दो वेरी, भैया लगा दो वेरी, लगा दो, सुनो मत ज्यादा, लगा दो वेरी, नॉइजी के पहले लगा दो वेरी। अब क्या बना? वेरी नॉइजी। तो हर ऐसी चीज जहां पर बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, अगर आपको उसको इंग्लिश में बोलना होता तो आप क्या बोलते? वेरी नॉइजी। इसी वेरी नॉइजी को अब आपको नहीं बोलना है, इसके जगह में आप बोलेंगे डेफनिंग। दोस्तों बोलना पड़ेगा, फिजिकल नेचर होना, मेरे साथ कोई भी ट्रेनिंग हो रही है तो आप जानते हैं मैं कैसा इंसान हूं। फिजिकल होना चाहिए सब चीज, जैसा मैं बोल रहा हूं एक बार बोल के बताओ, चलो एक बार बोल के बताओ। इट वॉज देखो वेरी नॉइजी बोल रहे हैं, अरे इट वॉज डेफनिंग। फिर से वर्ड बोल रहा हूँ स्क्रीन पे देखो, इट वॉज डेफनिंग। और जब मैं डेफनिंग बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा उसको याद करने की भी कोशिश करते हैं कि यार याद कैसे रहेगा। आप मुझे बात बताइए, कोई व्यक्ति है जिसे सुनाई नहीं देता तो हम क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति क्या है इंग्लिश में? डेफ है। वो व्यक्ति क्या है? बहरा है, इंग्लिश में डेफ है। इसी से ये वर्ड आया है डेफनिंग। स्पेलिंग पे विशेष ध्यान देना और प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान देना। सो वर्ड, व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज डेफनिंग। तो अब आप किसी भी ऐसे माहौल में जाएंगे जहां बहुत शोरगुल है, जहां बहुत आवाजें हैं, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इट वॉज डेफनिंग। अब कुछ एक स्टूडेंट्स इसमें भी कलाकारी कर देते हैं, मैं आपको बता दूं क्या कलाकारी, वो डेफनिंग के पहले भी क्या लगा देते हैं? वेरी। भैया ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करो, सिर्फ बोलो इट वॉज डेफनिंग। क्लास में बहुत हल्ला हो रहा था, द क्लास वॉज डेफनिंग। डेफनिंग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके पहले वेरी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉइजी के पहले वेरी लगा है और वेरी नॉइजी को ही हम डेफनिंग बोलते हैं। बहरा कर देने वाला माहौल था, मतलब इतनी आवाजें आ रही थी, कान के पर्दे फट जाते, वहां से वर्ड आया डेफनिंग। एक बार और बोलो डेफनिंग, चलो दिमाग में घुसा, तो नॉइजी
जहाँ पर बहुत शोरगुल है उसके पहले हमने क्या लगाया, वेरी बोलो, वेरी तो वेरी नॉइजी, तो वेरी नॉइजी के लिए एक एडवांस्ड वर्ड आज हमने सीखा, व्हाट इज दैट, दैट इज डेफिनिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, कोई चीज बहुत दर्द देती है, दर्द, अरे भैया आशिक बन गए, अरे आशिकों रुको थोड़ा सा, आशिक नहीं बनना है, कोई चीज़ बहुत दर्द देती, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो आप क्या बोलते हैं, इट इज पेनफुल, क्या बोलते हैं, चलिए मेरे साथ बोलिए फटाफट, इट इज पेनफुल, इट इज पेनफुल बोलते हो कि नहीं बोलते हो, इट इज पेनफुल। चलो एक समय कुछ चीज़ों के लिए हम समझते हैं कि मुझे ऐसा कहना है कि वेरी पेनफुल, अभी हम लोगों ने सीखा ना नॉइजी, नॉइजी के पहले वेरी, तो वेरी नॉइजी क्या हो गया, डेफिनिंग, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ पेनफुल, तो पेनफुल के पहले क्या हुआ, वेरी पेनफुल, तो वेरी पेनफुल के लिए दोस्तों एडवांस्ड वर्ड है, दैट इज एक्सक्रूशिएटिंग, मेरे साथ बोलेंगे उच्चारण, कुछ लोग एक्सक्रूशिएटिंग बोल देते हैं स्पेलिंग देख के, थोड़ा ध्यान रखना आपके स्क्रीन पर स्पेलिंग भी आ रही है, इट इज सी आई ए बट द प्रोनाउंसिएशन इज एक्सक्रूशिएटिंग, इट इज एक्सक्रूशिएटिंग नहीं, इट इज एक्सक्रूशिएटिंग। तो वेरी पेनफुल, कोई भी चीज़ जो बहुत आपको दर्द हो, बहुत तकलीफ दे, तो आपके जो बहुत पेनफुल है, तो बहुत पेनफुल के लिए हम एक वर्ड में इसको हम एडवांस एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट, एक्सक्रूशिएटिंग, शी दोस्तों, शीला, शीला, अब सबको याद रहेगा आशिकों, शीला याद रखना, उससे एक्सक्रूशिएटिंग आपको याद रहेगा, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, शीला डांस करके चली गई, अब बड़ा दर्दनाक लगा, सो इट वॉज एक्सक्रूशिएटिंग, इट वॉज एक्सक्रूशिएटिंग, जिस क्षण शीला चली गई डांस करके हम क्या बोलेंगे, द मोमेंट वॉज एक्सक्रूशिएटिंग, देखो सब आशिक बन गए। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा समझते हैं इसी में, सपोज करिए आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, मेरे सिर में दर्द है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई हैव ए हेडेक, आप क्या बोलते हैं, आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में क्या है, मेरे सिर में दर्द है, आई हैव हेडेक, हेडेक बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हमारे चेहरे पे ऐसे चार पांच लोकेशंस है जहां पर हम एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, ACHE, जो हम यूज करते हैं दर्द के लिए। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, देखिए कान को छू लीजिए एक बार, कान में दर्द है, आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ईयर एक, ACHE, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, द वर्ड इज कमिंग, ACHE, इसको छूते छूते बोलो, याद रह जाएगा, ACHE, ईयर एक। चलिए आंखों पे आ जाइए, आंखों पे, हाँ यहाँ आंख रख लीजिए, रामदेव बाबा बन जाइए, अब बोलिए आंखों के लिए क्या बोलेंगे आप, आंखों के लिए बल्ब क्या बोलेंगे, हाँ देखो बोल रहा हूँ, आंखों के लिए नहीं बोलते, हर जगह मतलब बिल्कुल जहां रख दिए वहां बोल दो। चलिए पहले समझते हैं कहाँ है, पहले कहाँ हम लोग को यूज़ करना है, हेड, हेड में दर्द होगा, हेड एक, दूसरा कान में हमने रखा, कान के लिए क्या बोलते हैं, ईयर एक, तीसरा नोज में रखिए, नोज के लिए क्या बोल सकते हैं, नाक में दर्द है, नोज एक, टीथ, टीथ ये खूबसूरत, देखो देखो कितनी खूबसूरत है, टीथ के लिए आप क्या बोल सकते हैं, टीथ के लिए आप क्या बोल सकते हैं, टूथ एक, टीथ के लिए क्या बोल सकते हैं, टूथ एक। तो ये तो बड़े सिंपल लोकेशंस हैं जहां पर हम लोग एक का इस्तेमाल करते हैं, ये दर्द के लिए हमेशा याद रखना, जब इन लोकेशंस पर दर्द हो तो आप सिंपली यहां पर एक लगाकर आप उस दर्द का बखान कर सकते हैं, भगवान ना करे आपके जीवन में आपको उसका बखान करना पड़े। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग उस टॉपिक पे थे जहां पर हमें पेन हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज कर रहे थे, बहुत दर्द हो तो एक्सक्रूशिएटिंग, शीला से याद रखना, एक्सक्रूशिएटिंग, सो एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब बहुत दर्द। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे सिर में दर्द है तो क्या बोलोगे, आई हैव हेडेक, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द है, आई हैव एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक, मेरे नाक में बहुत दर्द है, आई हैव एक्सक्रूशिएटिंग नोज एक, मेरे कान में बहुत दर्द है, आई हैव एक्सक्रूशिएटिंग ईयर एक, मेरे दांत में बहुत दर्द है, आई हैव एक्सक्रूशिएटिंग टूथ एक, आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे बहुत दर्द है, मेरे दांत में बहुत दर्द है, मुझसे बात मत करो, आई हैव एक्सक्रूशिएटिंग टूथ एक, डोंट टॉक टू मी। मुझे आशा है दूसरा वर्ड भी याद हो गया, चलो एक बार रिवाइज कर लें क्या, पहला शब्द क्या था दोस्तों, पहला शब्द क्या था, वेरी नॉइजी, कुछ याद आ रहा, कुछ याद आ रहा, वेरी गुड, डेफिनिंग। दूसरा वर्ड हमने क्या बोला, वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल इज एक्सक्रू शीला, हाँ शीएटिंग, शीला से याद है यार, वेरी नाइस, हमने दो वर्ड सुन लिए। चलो तीसरे वर्ड पे चलते हैं, वेरी लगाने वाले, एक बात बताओ, बहुत खुश, आप बहुत खुश हो जाते हैं, तो जब खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, आई एम हैप्पी, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। तो दोस्तों वेरी हैप्पी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, एंड द नेम ऑफ द वर्ड इज थ्रिल्ड। तो आज से जब आप बहुत खुश हों, भगवान करे आप जीवन में बहुत खुश हों, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम थ्रिल्ड, हम लोग बोलते हैं ना, आई एम वेरी एक्साइटेड, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम थ्रिल्ड।
थ्रिल्ड, क्या बोलना है दोस्तों? आई एम थ्रिल्ड। देखिए साधारण शब्द के पहले हम वेरी लगा रहे हैं और उन दोनों वर्ड को कंबाइन करके एक अच्छा वर्ड बनाना आज हम सीख रहे हैं। कितनी अच्छी कितनी मजे की यात्रा हो रही है। चलिए तीन वर्ड आपने सीख लिए, फिर से एक बार बोलेंगे। डेफनिंग पहला क्या है? डेफनिंग। दूसरा दर्द, एक्सक्रूशिएटिंग। और तीसरा बहुत खुश। सो व्हाट इज दैट? थ्रिल्ड। दोस्तों अब चौथे वर्ड की ओर चलते हैं। चलो मुझे एक बात बताइए, कोई गरीब है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बहुत इजी सा वर्ड, बहुत सिंपल सा वर्ड जो हम यूज करते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज पुअर। हम लोग क्या बोलते हैं? ही इज अ पुअर गाय। ये गरीब है, ही इज अ पुअर गाय। ये गरीब है बोलते हैं ना हम लोग, ही इज पुअर। और रही इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिच। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब रईस, हमको पता है, ठीक है दोनों। तो पुअर का उल्टा क्या? रिच। चलिए इसी से थोड़ा समझते हैं। कोई बहुत पुअर है, वेरी पुअर, तो वेरी पुअर के लिए हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया एडवांस में जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिट्यूट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिर से मेरे साथ बोलना एक बार, डेस्टिट्यूट। वो कैसी फैमिली में पैदा हुआ? गरीब फैमिली में हुआ तो आप क्या बोलते हैं? इन अ पुअर फैमिली। और बोलना है बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुआ तो क्या बोलेंगे? डेस्टिट्यूट फैमिली। एक बार और बोलें, क्या बोलेंगे? डेस्टिट्यूट फैमिली। मेरे साथ बोलें डेस्टिट्यूट फैमिली। अब एकदम बिल्कुल पक्का हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। सो पुअर, पुअर के पहले वेरी, और वेरी पुअर के लिए हमने क्या यूज किया? डेस्टिट्यूट। सबको याद रहेगा डेस्टिट्यूट। दोस्तों कई बार हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ये तो मेरे डेस्टिनेशन में था, इससे याद रखना। मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो गरीबी तो मेरे भाग्य में थी, ये तो मेरा डेस्टिनी था, उससे याद रहेगा डेस्टिट्यूट। क्या याद रहेगा? डेस्टिट्यूट। थोड़ा सा इमोशनल एक्सप्रेशन लाओगे तो याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? डेस्टिट्यूट। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति रईस है, कोई व्यक्ति क्या है? रईस है, तो हम क्या बोलते हैं? ही इज रिच। लेकिन बहुत रईस है मतलब एक्सट्रीमली रिच, वेरी रिच। तो दोस्तों वेरी रिच के लिए हमारे पास एक एडवांस वर्ड है, और वो क्या है? उस एडवांस वर्ड का नाम है एफ्लुएंट। क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। एक बार मेरे साथ बोलेंगे एफ्लुएंट। तो अगर मुझे किसी को बोलना है कि वो रईस है तो मैं क्या बोलूंगा? वो अमीर है, वो अमीर है तो क्या बोलूंगा? ही इज रिच। लेकिन वो बहुत पैसे वाला, बहुत रईस है, तब मैं क्या बोलूंगा? ही और शी इज एफ्लुएंट। चलिए एक बार फटाफट, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले क्या सीखा हम लोगों ने? नॉइजी, नॉइजी के पहले लगाया वेरी, उससे क्या बना? डेफनिंग। चलिए दूसरे में हम लोगों ने क्या सीखा? फटाफट दोस्तों, देखो फटाफट बोलना है। हमने सेकंड में दर्द के बारे में सीखा, तो जब बहुत पेनफुल होगा तो एक्सक्रूशिएटिंग। तीसरे हम लोगों ने खुशी के बारे में सीखा, तो हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी के लिए थ्रिल। और चौथे में हम लोगों ने क्या सीखा? पुअर, पुअर के पहले वेरी पुअर, तो वेरी पुअर के लिए डेस्टिट्यूट। पांचवें में हम लोगों ने क्या सीखा? रिच, बहुत रईस, तो बहुत रईस के लिए क्या सीखा? एफ्लुएंट। पांच एडवांस्ड वर्ड आपने सीख लिया। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में एक एक सेंटेंस कम से कम लिखना दोस्तों, ईमानदारी से प्लीज। जो सीख रहे हैं आप एक एक वर्ड लिखिए, धीरे धीरे हम सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे दोस्तों। आप आपको दूसरे वर्ड के पास लेके चलता हूं, बड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, कोई खूबसूरत है? ओहो दिल का मामला है दिल भर लल, आ गया ना सब? ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा रुक जाइए, आशिकी थोड़ा बंद करिए। मुझे ये बताइए कि कोई बहुत खूबसूरत है, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? कोई खूबसूरत है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हो? देखो पहले सिंपल इंग्लिश से समझो, कोई खूबसूरत है कैसे डिस्क्राइब करते हो? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोलते हैं। मैं भी एक स्पेसिफिक जेंडर की बात करूँ, आपके दिल की आवाज़ मेरे तक आ रही है, बचपन में मैंने सफोला पिया तो दिल की आवाज़ आ जाती है। तो कोई खूबसूरत हो तो आप बोलते हैं ब्यूटीफुल। चलिए ब्यूटीफुल के पहले आज हमने जो टेक्निक सीखी क्या लगाया? वेरी। तो वेरी ब्यूटीफुल के लिए अच्छा सा वर्ड है हमारे पास, दैट इज गॉर्जियस। व्हाट इज द वर्ड? दैट इज गॉर्जियस। लेकिन इस वर्ड के साथ एक समस्या है दोस्तों इंग्लिश में, क्या पता आपको? इसको हम लड़कों के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब आप अगर मुझे अभी देख के मेरे लिए इस यूज़ करना चाहते, आपकी फीलिंग आ रही कि भाई कितना खूबसूरत इंसान है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यू आर गॉर्जियस। इसे सिर्फ उसी जेंडर के लिए, उस विशेष जेंडर के लिए, इसे फेमिनाइन के लिए इसे छोड़ दिए हम,
हम कभी मैस्कुलाइन में इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कभी आप फीमेल्स में इसका इस्तेमाल करें और किसी मेल को देखकर ऐसा ना बोल दें कि यू आर गॉर्जियस, दोस्तों दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो लेकिन मजे की बात है कि हम इसे दूसरी जगह और भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो सिर्फ क्या है स्त्रियों के लिए इसको क्या है हमने रिजर्व कर दिया, वहाँ तो करो, उसके अलावा किसी ऑब्जेक्ट के लिए, आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ बहुत अच्छी दिख रही तो आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ गॉर्जियस, दोस्तों इट बोलना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ आपको अगर कोई सीनरी बहुत अच्छी लग रही है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ गॉर्जियस, आप बोल सकते हैं इट इज़ गॉर्जियस। और जब गॉर्जियस यूज़ कर रहे हैं तो आर का उच्चारण मत कर देना दोस्तों, है ना, इट इज़ गॉर्जियस। उसके बाद आप किसी जगह के बारे में, तो आप मुझे बताइए किसी सीनरी के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में और किसी जगह के बारे में आप इस वर्ड का बहुत ईजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वेरी ब्यूटिफुल इज़ अवर नेक्स्ट वर्ड, और वेरी ब्यूटिफुल का मतलब क्या है, गॉर्जियस। चलो दोस्तों एक नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, जब आप बिजी होते हैं तो आप लोगों को क्या बोलते हैं, यार मुझे डिस्टर्ब मत कर, आप इंग्लिश में क्या होते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं क्या हूं, आई एम बिजी। चलो ना दोस्तों बिजी के पहले एक वर्ड लगाते हैं, दोस्तों बिजी के पहले एक वर्ड लगाओ, वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्वैम्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई एम टोटली स्वैम्ड, मतलब आई एम टोटली ऑक्यूपाइड, मतलब मैं भरा हुआ हूँ काम से, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम टोटली ऑक्यूपाइड। तो जब आप बहुत बिजी हो तो आज से आप एक वर्ड का यूज करेंगे और मैं चाहता हूँ आप सब इसको लिखें, एंड द वर्ड इज स्वैम्ड, SWAMPED, स्वैम्ड। सो आई एम टोटली स्वैम्ड, आई एम ऑक्यूपाइड, बहुत सारे काम है। तो दोस्तों मजा आ रहा है, अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। एक बात बताइए, कहीं बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो आप क्या यूज करते हैं, आप क्या बोलते हैं, द प्लेस इज, फटाक से बोलो, द प्लेस इज क्राउडेड, क्राउड मतलब भीड़, क्राउड से है ना, क्राउड से हमने एडजेक्टिव बनाई, तो क्राउडेड, आप क्या बोलते हैं, द प्लेस इज क्राउडेड। मैं चाहता हूं थोड़ा सा हम और समझें इसको, चलिए क्राउडेड के पहले मैंने लगा दिया क्या, वेरी क्राउडेड, तो वेरी क्राउडेड मैंने जैसे ही लगाया दोस्तों, अब आप इसको बोल सकते हैं द प्लेस इज पैक्ड, द प्लेस इज पैक्ड। आप थिएटर में गए, थिएटर में बहुत भीड़ है, आप फोन करके अपने दोस्त को बोलते हैं, कोई भी पुरुष या महिला मित्र आपकी कोई है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, डियर फ्रेंड द थिएटर इज क्राउडेड। और अगर आपको ऐसा बताना है, ऐसी फीलिंग है कि बहुत क्राउडेड है, आज हम मूवी नहीं देख पाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, द थिएटर इज पैक्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, द थिएटर इज पैक्ड, इंग्लिश भाषा है, बड़े ध्यान से समझे, द थिएटर इज पैक्ड। सो नेक्स्ट दोस्तों एक आखिरी वर्ड की तरफ चलते हैं, सबको लिस्ट आउट कर लेना, लिखना और आज ही इसका इस्तेमाल करना। चलिए एक लास्ट वर्ड, मुझे एक बात बताइए, ये वर्ड बहुत प्यारा है, दो तरीकों से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पहला फिजिकल नेचर भी है और इसका मेंटल नेचर भी है, थोड़ा समझते हैं। सपोज करिए कि आप किसी चीज से अपसेट होते हैं, तो आप क्या, आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इट इज अपसेटिंग, आप क्या बोलते हैं, इट इज अपसेटिंग, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। अगर कोई आपको चीज बहुत अपसेट कर दे तो आप क्या बोलते हैं, इट इज वेरी अपसेटिंग। तो थोड़ा सा टेक्निक समझते हैं, अपसेटिंग के पहले मैंने क्या लगा दिया, आप बहुत अपसेट हो गए किसी चीज से, आप क्या लगा दिया उसके पहले, वेरी। दोस्तों ये जो वेरी अपसेटिंग है ना, इसी वेरी अपसेटिंग, मतलब जो चीज आपको बहुत तनाव देती है उसके लिए आप यूज करते हैं डिवेस्टेटिंग। फिर से मेरे साथ एक बोलेंगे, डिवेस्टेटिंग, फिर से एक बार बोलेंगे, इट इज डिवेस्टेटिंग। और दोस्तों जब आप बोलते हैं इट इज डिवेस्टेटिंग, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप जब इमोशनली डाउन हो तभी आप इस वर्ड को यूज करेंगे कि इट इज डिवेस्टेटिंग। जब फिजिकल भी हो, जैसे फिजिकली, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, अब बाढ़ क्या है, फिजिकल डैमेज करता है, बाढ़ क्या करता है, फिजिकल डैमेज करता है, तो हमें क्या बोलना है, जैसे बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गए, तो आप क्या बोलेंगे, इट वॉज, क्या बोलेंगे, फ्लड कैसा था, द फ्लड वॉज डिवेस्टेटिंग, कैसा था, डिवेस्टेटिंग। तो डिवेस्टेटिंग का मतलब क्या हुआ, यहां पर फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, मतलब आपको इमोशनली भी अगर कोई चीज बहुत परेशान कर रही है तब भी आप बोल सकते हैं कोई भी चीज को कि इट वाज डिवेस्टेटिंग। किसी मूवी को देख के आपने, दोस्तों आप मूवी को देख के निकलते हैं और कोई आपका दोस्त बोलता है भाई रिव्यू थोड़ा सा दे यार, तू रिव्यू देता है तो मेरे को लगता है कि मैं जाके देखूं या ना देखूं, तो आप क्या बोलेंगे, इट वाज डिवेस्टेटिंग। तो अगर आपने बोला इट वाज डिवेस्टेटिंग, इसका मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि वहां पर आपका कोई सामान का नुकसान नहीं हुआ, आपकी जो मेंटल आपका जो अरेंजमेंट था वहाँ पर, है ना, मेंटली जिस स्टेट में आप गए थे वो शायद स्टेट आपका तकलीफ में है, इसलिए आप कह रहे हैं इट वाज डिवेस्टेटिंग, दैट मींस इट वाज अपसेटिंग। ऑलराइट, फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी हुआ तब भी क्या बोलेंगे,
इट वॉज डिवेस्टेटिंग. उदाहरण के तौर पर समझते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का, आप सबको याद होगा. तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो घटना घटी जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे? दैट एक्शन इट वॉज डिवेस्टेटिंग. इट वॉज डिवेस्टेटिंग का मतलब उसमें फिजिकल, बहुत ज़्यादा फिजिकल नुकसान हुआ था. ऑलराइट, आज इतने शब्द मैं आपको जो लेके दिया, हमने सिंपल समझा कि एक शब्द, शब्द के पहले आप क्या लगाइए, वेरी, और उस वेरी के साथ उस आसान से शब्द को उठाया हमने और आज सीखा कि उसे हम कैसे एडवांस बना देते हैं. मैं चाहता हूं कम से कम एक एक सेंटेंस दोस्तों एक बार मेरे लिए आप जरूर पोस्ट करें इस वीडियो पर. आगे आने वाले सप्ताह में आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लाऊंगा. आशा करता हूं आपने बहुत आसानी से आज इन सारे शब्दों को सीखा, मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.